तो आप भाई लोग, क्या हाल चाल है? उबरता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस रूम में अपकमिंग वोल्वो B9R फेसलिफ्ट बस मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक अपकमिंग बस मोड है। और इस बस मोड को बनाने वाले CRS गैरेज ऑफिशियल चैनल है गाइस, और ये आपको May 14 देखने को मिलेगा, मतलब May 14 को ये रिलीज़ होगा उनके चैनल पर। तो उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर प्लेवर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाइए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें क्योंकि हम उधर भी ड्राइंग में कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे, तो चलो इसके इंजन साउंड की ओर। भाई लोग, आप लोगों को जिस तरह का एक बढ़िया सा एक्सटीरियर देखने को मिलता है, तो इसका एक्सटीरियर अच्छा है और इसका आगे का फ्रंट लुक भी बहुत ही बढ़िया है गाइस, और पीछे का लुक भी अच्छा है। और आपको सभी प्रकार के इंडिकेशन देखने को मिलेगा इसके टेल लाइट पर, और लो बीम से कुछ इस तरह का आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है, और उसी के साथ कैबिन लाइट भी ऑन होता है गाइस, जिसका इफेक्ट कुछ इस तरह का है। और लाइक बढ़िया सा आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, और डोर एडमिशन से बार का डोर ओपन होता है, जिसका इफेक्ट कुछ इस तरह का है। और आपको स्टेयर केस पर भी लाइटिंग देखने को मिलेगा, और इस मोड में आपको 3 तरह के एनिमेशन की देखने को मिलता है। तो पहले वाले एनिमेशन की से कर्टेंस बंद होती है, इसका इफेक्ट अच्छा है गाइस और बहुत ही कमाल का है। और दूसरे वाले एनिमेशन की से ड्राइवर साइड के डोर और उसी के साथ नीचे का डिक्की सब कुछ ओपन होता है गाइस, इसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो। और एक बढ़िया सा आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, और उसके साथ इमरजेंसी एग्जिट डोर भी ओपन होता है, इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का है। हालांकि आपको उतना डिटेलिंग देखने को नहीं मिलता डोर्स पर, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट अच्छा है। और तीसरे वाले एडमिशन की से ड्राइवर साइड का विंडो और उसी के साथ आगे का एक एडिशनल लाइट ऑन बार आता है, जिसका इफेक्ट कुछ इस तरह का है। ओवरऑल आपको एक बढ़िया सा स्मूथ सा एनिमेशन देखने को मिलेगा, और विंडो ओपनिंग इफेक्ट भी बहुत ही स्मूथ है गाइस, आपको एक बढ़िया सा फिनिशिंग भी देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल एक अच्छा है। और आप इधर इसका इंटीरियर देख सकते हो, आपको एक बढ़िया सा डैशबोर्ड देखने को मिलता है, और मैप का पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया है, आपको एक वेल प्लेस मैप देखने को मिलेगा। और आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में डायल और इमुलेशन देखने को मिलेगा, और इंडिकेशन भी देखने को मिलता है गाइस। और आपको एक बढ़िया सा इंटीरियर देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ इसका डैशबोर्ड का फिट एंड फिनिश भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक बहुत ही मस्त वाला आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, और इसका रवि एंगल भी सही है, आपको दोनों और भी हम एक ही फ्रेम में देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको ओवरटेकिंग करने में और भी बढ़िया लगेगा गाइस। और इसका चलाने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही स्मूथ है, इसका स्पीड भी बढ़िया है, ब्रेकिंग भी अच्छा है, और ओवरऑल स्टीयरिंग फीडबैक भी कमाल का है गाइस। ओवरऑल आपको इसे चलाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, और स्टेबिलिटी के मामले में भी बहुत ही बढ़िया है, आपको एक बढ़िया सा स्टेबिलिटी ऑफर करती है। ओवरऑल आपको एक बढ़िया सा कंट्रोल देखने को मिलेगा इस मोड में, और आपको इसके विंडशील्ड पर रियलिस्टिक रेन इफेक्ट और इसके साथ वाइपर सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल बहुत ही कमाल का आपको एनिमेशन एक्सटीरियर इंटीरियर और ड्राइविंग में देखने को मिलता है इस मोड में, और एक बढ़िया सा मोड है। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई भी मॉड रिलेटेड इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर प्ले कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही था, मैं आपसे अगली मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। Fearless.